आज जो हम बाइक पिकअप करने जा रहे हैं ना, बॉय बॉय यू गाइस आर गोइंग टू लव दैट. इट्स अ मैनियाक, अ पॉकेट मिसाइल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द 23 राइड्स चैनल. एंड टुडे आई एम टेकिंग माय ब्लैंक आउट आफ्टर सम टाइम. एज यू नो, आई वाज राइडिंग द TRK 502 फॉर द लास्ट 4-5 डेज. सो टाइगर को छूने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे. एंड आज मुझे टाइगर को गुड़गांव लेके जाना है बिकॉज वी आर गेटिंग अ न्यू बाइक टुडे. And that bike is a compact missile. So let's start a ride to Gurgaon. As you can see, bike थोड़ी सी गंदी है. मैं इसे साफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे 3-4 दिन के लिए I have to leave this bike at the dealership from where I am picking up the bike. So no point in cleaning that up. And Tiger is ready to go. But it feels really good to be back on my bike. TRK चला चला के ना मुझे अजीब सा लगना शुरू हो गया था. मैं भूल गया था टाइगर की फीलिंग क्या है. एंड एज यूजुअल ऐसा ही होता है जब आप अपनी बाइक चेंज करो. ये देखो, सोसाइटी से निकलते समय यहाँ पे आई गेट दिस व्यू. अच्छी पिक आ रही है, गेयर वेयर के साथ बढ़िया लगता है बंदा टाइगर पे बैठे हुए. खोलो, आपका इंतजार कर रहा था कि आप खोलोगे. एक मन में ना बहुत अलग सी खुशी हो रही है आज क्योंकि एक बहुत डिफरेंट टाइप की बाइक चलाने वाला हूँ मैं. एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स, that machine is a hoot. Everything that you want is there on that machine. Top spec, top of the line variant, which you will be loving to the core, guys. So one thing that you need to do, guys, is to stay connected with me. Stay connected, stay subscribed on the 23 Rides channel. क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी और bikes भी आने वाली हैं और बहुत मज़ा आएगा. And अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15th August के आसपास एक ऐसी bike मिलेगी ना जो लिटरली होश उड़ा देगी. सो लेट्स सी थिंग्स कैसा रहता है सब कुछ. बट आई एम जस्ट साउंडिंग अ वार्निंग. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि ये जो अपनी बाइक चलाने की फीलिंग होती है ना, ये कुछ और ही होती है यार. आप इस पे बैठते हो ऐसा लगता है एवरीथिंग इज फॉलन इन प्लेस. मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का. और अपना क्रूज कंट्रोल वापस आ गया है. 109 पे क्रूज कर रहे हैं हम हाईवे पे आराम से. फॉर्म में आ चुके हैं हम अपनी टाइगर पे वापस. एकदम वापस फन मोड. पार ना मतलब किसी भी गियर में कहीं से भी आ जाती है यार टाइगर में. मजा आ जाता है चलाने का बाइक को. कहीं से भी खींच दो. This is what I love. ये देखो यार, बारिश भाई रुके रहना थोड़ी देर क्योंकि मुझे ना भीगने का शौक आ नहीं रहा बिल्कुल भी. So we are at Cyber City now, and from here the dealership where I have to go is like maybe 5 minutes. So we are almost there, guys. Almost there, and soon you'll get to know which is the next awesome motorcycle that I'm riding. So let's make it easier for you guys. Kya garmi hai yaar. Are we getting this one? The Trident 660. If you haven't seen my video on this, you can check out my channel. I've already made a video on this. But no, we are not getting this. We are getting something else. Just a few more minutes, guys. सो टाइगर की जब सारी सीट्स वीट सब कुछ निकल जाता तो फ्रेम देखो ऐसा रह जाता. इतनी स्लिम बाइक लग रही है, इतनी हल्की होनी चाहिए हमारी बाइक है चलाने के लिए. एंड वो लगी है 900. यहाँ पे आगे का व्हील वगैरह निकला हुआ है, पता नहीं शॉकर्स में कुछ काम हो रहा है क्या. सो द न्यू बाइक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज नॉट द ट्राइडेंट 660 लाइक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गेस्ड बिकॉज आई मेंशन दैट इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल बाइक. बट इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रीट ट्रिपल RS, द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन विद ओलिन सस्पेंशन. एंड आई विल बी राइडिंग दिस बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई एम नॉट श्योर हाउ टू काइंड ऑफ राइड दीज टाइप्स ऑफ बाइक्स, बट आई विल बी शेयरिंग अ डिटेल्ड फीडबैक ऑन व्हाट आई फील, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु इज इन adventure bike riding. एक बार 900 में बैठ के देख रहा हूँ. ओ तेरे, ये हल्की लग रही है यार उससे. हल्की 197 kg. और उसका क्या वेट है?
इसका 215 या ऐसे कुछ है, आई थिंक 205 है, 7-8 किलो का फर्क है, बट ये वाला पार्ट काफी जो है ना पतला है, अप्रोचेबल है सीट हाइट। स्ट्रीट ट्रिपल आरएस एंड दैट ट्रायम्फ लोगो, फ्यूल रेंज लो, अबे जीरो पेट्रोल दिया है क्या? जीरो पेट्रोल, चलो भरवाते हैं। ओहो इनिशियल इंप्रेशन यार मेरी हंसी बंद नहीं हो रही है, ये क्या चीज मिल गई है हाथ में इतनी निम्बल सी, मजाक है कि ये ऐसे राइट लेफ्ट हो रही है यार। एडीवी चला चला के ना हेवी चीजें चलाने की आदत हो चुकी है, और यार इसकी क्या ब्रेकिंग है यार, ऐसे पकड़ रही है एकदम, और ऐसे ऐसे हो रही है भाई। एक सेकंड में लग रहा है क्या मजेदार चीज है ये, डेंजरस आइटम है भाई ये, डेंजरस, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ सो भाई इसका ना सीन थोड़ा सा ऐसा है कि गियर्स को ना होल्ड करना पड़ रहा है, टाइगर में मुझे गियरिंग की ऐसी आदत पड़ गई है कि जल्दी जल्दी चौथे गियर में आ जाओ, पांचवे गियर पे आ जाओ, छठे पे भी आ जाओ तो की फर्क पैंदा है, कोई पंगा ही नहीं है। वी स्टॉर्म 650, इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कम्पेयर टू टाइगर, टू रीजन्स, वन इट हैज़ द ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स टॉप ऑफ द लाइन, एंड अनदर मे बी इसका ब्रेकिंग सेटअप जो होता है स्ट्रीट बाइक्स का इज अ लिटिल मोर एग्रेसिव एज कम्पेयर टू ADVs, बिकॉज इन ADVs यू वॉन्ट अ स्लाइटली सॉफ्टर बाइट ऑन द फ्रंट टायर, बिकॉज इट टेंड्स टू वॉश आउट वैन यू आर ब्रेकिंग इन ग्रेवल और अनइवन सर्फिसज। These bikes are primarily meant for the road. That's why इनकी ब्रेकिंग आगे जो बनी है ना वो आगे वाले टायर में जो ब्रेकिंग होती है वो हार्ड होती है, जैसी आपको प्रॉपर ब्रेकिंग चाहिए ना रोड पे वैसी बनी होती है। राइडिंग दिस बाइक इज सो इंगेजिंग कि आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, आप ना ऐसी बाइक चलाते समय रिलैक्स नहीं कर सकते, यू हैव टू बी ऑन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। ये मत सोचो कि आप जैसे टाइगर पे ना 80-90 की स्पीड पे आप आराम से 100 पे क्रूज करना शुरू हो जाते हो, पता है रिलैक्स पोस्चर है, राजे की तरह बैठे हो आप, बट इसमें यू हैव टू बी ऑन एवरी सेकेंड, क्योंकि ये ना एक सेकंड में ये ऐसे भाग जाती है, देखो ये कैसे भागती है यार, ये भाग, देख कटिंग कैसी है यार इसकी, मज़ेदार। निम्बलनेस क्वोशेंट जो है ना इस बाइक का वो 10 out of 10, इससे ज़्यादा निम्बल क्या ही होगा कुछ। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, लेट मी टेल यू वन थिंग, ड्यूक 390 जो होती है और RC 390, दीज बाइक्स आर ऑल्सो इन दैट 165-170 to 173 kgs वाली रेंज इन टर्म्स ऑफ वेट, एंड देयर पावर इज 44 bhp 45 bhp एट मैक्स। दिस बाइक हैज़ अ सेम वेट एंड हैज़ 3 times मोर पावर देन दोज बाइक्स, सो आप इमेजिन करो वॉट सॉर्ट ऑफ थिंग दिस मशीन इज। एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू सी ADVs लाइक द टाइगर 800 विच हैव अ वेट विच इज 40 kgs मोर देन दिस बाइक। टाइगर 800 इज लाइक 205 kgs एंड हैज 100 bhp ऑफ पावर विद दैट एरो एग्जॉस्ट ऑन दैट एड्स एडिशनल 3 bhp। सो यू हैव बोथ द स्पेक्ट्रम्स राइट, सो लेट मी शो यू हाउ दिस थिंग गेट्स आउट ऑफ ट्रैफिक। जस्ट 2 twists ऑफ द थ्रॉटल एंड वी आर आउट, जितने मर्जी बड़े हो जाओ ये जो रेड लाइट से थ्रॉटल आउट करके निकलने का मजा है ये कभी भी फेड नहीं होता। व्हेन यू हैव द RS यू हैव टू जस्ट स्पॉट एन ओपनिंग एंड यू गो थ्रू इट, नो सेकेंड थॉट्स, बिकॉज यू आर डैम श्योर दैट दिस मशीन विल टेक यू थ्रू नो मैटर वॉट, दैट्स द सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन दैट दिस मशीन विल प्रोवाइड। I mean there are a lot of machines which are much more powerful than this, much more powerful, you have 200 bhp machines as well, but the power to weight ratio on this one is insane. Ooh, not meant for touring definitely, lot of wind blast, can't imagine touring on this, but Sunday spins, Sunday rides, 100-200 kilometers is something that you will definitely enjoy. So guys, since I have this bike with me for the next 4 days at least, so let me know in the comment section what you need to know about the Street Triple RS. It's a 2020 model, latest model.
I mean all the gadgetry, all the wizardry that Triumph had to throw in this naked, in this street naked bike, they have done it. So whatever you want to know about this bike, I know definitely you guys want to know what the mileage is and the top speed is, but beyond that, if you have any other questions, post them in the comment section below or follow me on 23 Rides on Instagram and send me a DM, and I'll try and cover that in the review that I'll be making tomorrow or day after. So that video should be out by Sunday max, so you will get all the answers to the questions that you have about this stunning machine. Oh, time to open it up. Six gear and the wind blast, tuck down man. My ADV helmet isn't helping. Oh, 130, 140. This is crazy stuff. Oh, I was on the fifth, I didn't even realize. Oh man, oh, 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 oh. Yaar, main kya bolu, fan ho gaya hu main. Pata hi nahi ja raha mujhe, kyunki मैंने टेस्ट तो सिर्फ 137-40 किया था यार, बट जो स्मूथनेस थी ना वो बढ़े जा रही थी इंजन में. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हल्का सा इंजन कुछ कह रहा है कि भाई अब हम थोड़े से अपर हाफ में आ गए हैं अपनी कैपेसिटी की. ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं. So that was it for this video. I'll see you in the next video pretty shortly. Till then, keep riding, ride safe, and ciao.